गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटिफुल एंड सनी डे, इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ अपना मुँह हाथ धो के एक्सरसाइज करने के लिए। सिंस मैं एक वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बस 5-6 दिन हुए हैं मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए एंड आई कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस। जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी काफ़ी एक्टिव हो जाती है, थ्रू आउट द डे एक्टिव फील होता है। हाँ, लेकिन शुरुआत के जो 2-3 दिन थे भाई साहब, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। इतना बॉडी पेन हो रहा था मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सूर्य नमस्कार किया, काफ़ी सारे एक्सरसाइज किए, उसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया। हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और हर रोज़ एटलीस्ट भगवान जी को, आप जिनको भी मानते हो, नहीं किसी को मानते तो आप यूनिवर्स को, किसी को भी थैंक यू बोलिए। इसलिए क्योंकि आपको जो भी मिला है ना वो बहुत है। आप अपने आसपास देखिए, आपसे भी ज़्यादा कमी में लोग रहते हैं। दिन की शुरुआत तो ये सोच के की थी कि आज बहुत सारी पढ़ाई करूँगी, लेकिन शायद आज ऐसा भगवान जी को मंजूर नहीं था। हम लड़कियों पे ना बहुत सारा प्रेशर रहता है, घर के काम का प्रेशर, घर वालों के हर ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने का प्रेशर। और मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियों पे ये प्रेशर होता है, लड़कों पे भी होता है। और जब हमें घर पे रह के तैयारी करनी होती है तो हम कोई भी चीज़ देख के अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। अगर घर में किसी का तबीयत ख़राब है तो हमें काम करना ही पड़ेगा, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और इन सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें पढ़ाई करनी है। खैर, मैंने थोड़ा हेल्प किया खाना बनाने में, किचन का सारा काम कंप्लीट किया, मैंने अकेले ने नहीं किया, भैया भाभी मैं सबको मिल के कर रहे थे। उसके बाद मैंने कपड़े डाले, नहा धो के मैं यहाँ पर बैठ गई पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज रेशियोज, इन सब को लिख के मैंने प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा रिवीजन कर लिया। इनको कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, 5-10 मिनट का, उस बीच का ये क्लिपिंग है। मेरा भैया और मैं बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना क्वांट का सेशन। आज मैंने परसेंटेज चैप्टर को रिवाइज करने का सोचा था, तो परसेंटेज चैप्टर में सर के कम से कम 4 या 5 लेक्चर हैं तो उनको कंप्लीट करना है, तो वो एक दिन में तो होगा नहीं, तो आज मैं 2 ही लेक्चर कंप्लीट करूँगी। जैसे ही मैं पढ़ने बैठी थी वैसे ही मम्मी ने बुला लिया खाने के लिए। तो लंच करने के बाद मैंने ये दाल छत पे सूखने दिया था, उसको मैंने समेटा और फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर दी अपना परसेंटेज वाला चैप्टर का रिवीजन। दो लेक्चर करने थे लेकिन मैंने अभी एक ही लेक्चर किया है, और उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक लेक्चर किया, क्योंकि एक साथ करने में ना मुझे थोड़ा बोर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि सब्जेक्ट स्विच कर लेती हूँ। फिर मैंने रीजनिंग का एक क्लास किया। अंकुश लांबा सर ना
फिर से स्टार्ट किए हैं 1000 पजल सीरीज़, उन्होंने आज से ही स्टार्ट किया है। तो मैं उनका वही वीडियो देख रही थी और वीडियो के स्टार्टिंग में ही सर ने बहुत अच्छी बात बोली, जो कि एक गलती सर ने पॉइंट आउट करी सारे स्टूडेंट्स की। मैं भी वो गलती करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, पज़ल वाले वीडियोस देखती हूँ तो मैं पूरा वीडियो नहीं देखती, मैं उसको पॉज कर देती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, फिर सोल्यूशन देख लेती हूँ कि सही है कि नहीं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ऐसा सर ने बताया कि हमें है ना उस अप्रोच को देखना है, उस अप्रोच को सीखना है, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद मैंने वैसे ही किया। एक अंकल आए थे घर पे, तो पापा ने बोला था चाय बनाने के लिए, तो मैंने चाय बनाया और उन लोगों को सर्व किया और उसके बाद फिर से अपना पढ़ाई रिज्यूम किया। तो रीजनिंग है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया फिर से अपना परसेंटेज का सेकेंड नंबर लेक्चर। तो आज दिन भर तो यही सब करते करते बीत गया और रात में मैंने बस इतना ही किया। मैं काफ़ी थक गई थी। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने डिनर करके सो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।